नमस्कार दोस्तों, ज्योति न्यू टीम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि होली का त्यौहार आने वाला है, तो मैं आज आप लोगों को बहुत ही अच्छा रेसिपी बना के दिखाने वाली हूँ। तो आप लोग वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। इधर पर आप देख सकते हैं हमने लिया हुआ है आलू। तो आलू को जो है कि अच्छी तरीके से धुलेंगे, उसके बाद हम उबाल के इसका बहुत ही अच्छा रेसिपी बना के दिखाएंगे। तो आलू को अब हम बाल्टी में ले लेते हैं। अब इसमें हम पानी डाल देते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि होली के त्योहार पे जो है कि चिप्स, पापड़, बहुत सारे रेसिपी बनती हैं, तो आज मैं आप लोगों को आलू का पापड़ बना के दिखाऊंगी। तो आलू को अच्छी तरीके से हम धुल लेंगे। ये देखिए, हमने दोबारा भी आलू को धुल लिया है। और इधर पे हमने कुकर लिया हुआ है आलू उबालने के लिए। तो हमने कुकर को अच्छी तरीके से मतलब इसमें मिट्टी लगा दिया है, ताकि हमें माजने में इसे आसानी हो। और हमने कुकर में जो है कि 2 गिलास पानी लिया हुआ है। अब हम आलू को कुकर में डाल देते हैं। तो हमने चूल्हे में आग को जला लिया है। तो अब हम कुकर के जो है कि ढक्कन को लगा के कुकर को अच्छी तरीके से बंद कर देते हैं। तो दोस्तों, जो है कि आलू हमारा पक गया है। कुकर जो है कि 2 सीटी बोल गया है, हमने 2 सीटी बुलाया हुआ है आलू उबालने के लिए। अब हम कुकर को जो है कि चूल्हे पे से नीचे उतार देते हैं। मैं भाग जाऊं? बंद करो, बंद नहीं है। बंद करो, बैटरी डिस्चार्ज नहीं हो रही क्या? हो गया है ना आलू? तब तो अब हम इसे ठंडा होने देते हैं। आलू का पापड़ बनाने के लिए क्या क्या सामग्री लिए हैं, आइए आप लोगों को दिखा देते हैं। हमने लिया है हरा धनिया की पत्ती, हमने इसे बारीक काट दिया है। और हमने लिया हुआ है जीरा, नमक, अरे साबुत लाल मिर्च। तो हम इसका जो है कि डंठल तोड़ लेते हैं और इसे सिलबट्टे के सहायते से पीस के तैयार करेंगे। तो मिर्चे को हम सिलबट्टे के सहायते से जो है कि पीस लेंगे। तो हम ज्यादा नहीं पीसेंगे इसे। आलू को अब हम एक बर्तन में पलट देते हैं। अब इसमें हम ठंडा पानी डाल देते हैं। तो आलू का छिलका उतार के हम एक बर्तन में दूसरे बर्तन में रखते जाएंगे। तो हमने इसमें ठंडा पानी इसलिए डाला हुआ है ताकि जल्दी से हम आलू का छिलका उतार सकें। तो इसी तरीके से सारे आलू का छिलका उतार के हम एक बर्तन में रखते जाएंगे। तो सारे आलू का छिलका हमने उतार लिया है, ये देखिए।
तो इधर पे हमने एक गिलास लिया हुआ है, इसी से आलू को हम मैश करेंगे इसी तरीके से। हम सारे आलू को मैश कर लेते हैं। आप चाहे तो सिलबट्टे से इसे पीस सकते हैं। तो हमने आलू को जो है कि ग्लास से अच्छी तरीके से मैश कर लिया है। अब इसमें हम डाल देते हैं धनिया की पत्ती। और मिर्चा। अब इसमें हम डाल देते हैं जीरा। अब इसमें हम डाल देंगे नमक। नमक जो है कि पापड़ में हम थोड़ा ही ऐड करेंगे। अच्छी तरीके से हम मिक्स कर देते हैं। तो हम छत पे आ चुके हैं और एक चारपाई पे साड़ी बिछा दिए हैं और यहाँ पे हमने लिया हुआ है ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन और चौका और तेल और एक थाली। तो अब हम हाथ में जो है कि तेल लगाएंगे। तो हम रिफाइंड ऑयल लिए हुए हैं। अब हम पॉलीथीन में जो है कि तेल लगा देते हैं ताकि जो है कि हमारा पापड़ इसमें चिपके ना। अब जो हम बॉल की तरह बनाए हुए हैं इस पे रखेंगे और इस पॉलीथीन को जो है कि इस तरीके से कर देंगे और इस थाली से हम इसको इस तरीके से दबा देंगे। ये देखिए, इसे हम और दबा देते हैं क्योंकि हमारा पापड़ जो है कि मोटा है। अब हम इसे इस तरीके से उठा के ले जाएंगे। तो तेल को हमने हल्का सा फिर लगा लिया है, उसके बाद हम बॉल की तरह आलू को बनाएंगे। आप चाहे तो हाथ से भी बना सकते हैं इस तरीके से। ये देखिए, ये देखिए थाली से बहुत ही अच्छा बन रहा है। दोस्तों धूप बहुत ज़्यादा था तो इसीलिए हम इधर आ गए हैं छाँव में ताकि इधर हम बना के पापड़ धूप में रख सकें। बहुत ही ज़्यादा इस समय धूप लग रही है। तो आप लोग वीडियो पे इसी तरह से बने रहिए। बहुत ही आसान तरीके से जो है कि पापड़ बनके तैयार हो जाता है। आप इस तरीके से घर पे बना सकते हैं। और इसी तरीके से सारे पापड़ को हम बना के तैयार कर लेंगे। तो दोस्तों हमने सारे पापड़ को बना लिया है। अब हम इसे छोड़ देते हैं कम से कम 8-9 घंटे के लिए। सूख जाएगा तो हम इसे जो है कि फ्राई करके भी आप लोगों को दिखाएंगे। तो आप लोग जो है कि वीडियो पे इसी तरह से बने रहिए। तो दोस्तों जो है कि पापड़ हमारा सूख गया है। हमने इसे 2 दिन सुखाया हुआ है। हमने कल भी सुखाया हुआ था और आज भी।
ये देखिए बहुत ही अच्छे से पापड़ हमारा सूखा हुआ है। ये देखिए बहुत ही अच्छा हमारा पापड़ सूखा हुआ है और हम चल रहे हैं इसे फ्राई करेंगे। तो अब हम चल रहे हैं चूल्हे के पास, इसको फ्राई करके आप लोगों को दिखाएंगे, तो वीडियो पे बने रहिए आप लोग। तो आग को हमने जला लिया है, कढ़ाई को रख देते हैं चूल्हे पे। अब कढ़ाई में डाल देते हैं रिफाइंड ऑयल। तो तेल जो है कि हमारा गरम हो गया है, पापड़ को फ्राई कर लेते हैं। ये पापड़ हमारा हो गया है, हम पापड़ को ज्यादा खर नहीं करेंगे। ये देखिए कितने लाल लाल बन रहे हैं हमारे पापड़। एक एक करके हम पापड़ को जो है कि फ्राई करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों हमने इतना पापड़ फ्राई किया हुआ है, एक और फ्राई कर लेते हैं, हम ज्यादा फ्राई नहीं करेंगे, रख देंगे दोस्तों। जो है कि सुबह जब चाय बनता है उसके साथ फ्राई करके, चाय के साथ खाइए फ्राई करके, तो बहुत ही अच्छा लगता है, चिप्स हो या पापड़। तो देखिए हमारा पापड़ काफ़ी अच्छा बना हुआ है, हमने फ्राई किया हुआ है दोस्तों। होली के मौसम में बहुत ही अच्छा पापड़ लगता है खाने में। तो आइए तोड़ के दिखा देते हैं, देखिए कितना कुरकुरा बना हुआ है, ये देखिए। तो बहुत ही कुरकुरा हमारा पापड़ बनके तैयार हुआ है आलू का। आप होली के त्यौहार पे इस तरीके से पापड़ बना सकते हैं। दोस्तों आज हमने आप लोगों को बना के दिखाया आलू का पापड़, कैसे आसान तरीके से आप लोग घर पे बना सकते हैं। होली का त्यौहार जैसे कि आप सभी जानते हैं आने वाला है, तो इस तरीके से आप लोग आलू का पापड़ बना के खा सकते हैं। सुबह शाम चाय के साथ खाइए तो बहुत ही अच्छा लगता है, और घर आए मेहमान को खिलाइए दोस्तों। तो मैं आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करेगा। दोस्तों आप लोग जैसे कि कमेंट करते हैं कि मैं उषा बुआ का कॉपी करती हूँ, तो ऐसी कोई बात नहीं है दोस्तों। सीजन के हिसाब से जो है कि वीडियो इस समय बनता है, तो हमने भी आज पापड़ बनाया हुआ है। तो हमने दोस्तों आप जैसे कि जानते हैं इस समय हम पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो हम जब समय पाते हैं तो आप लोगों को वीडियो बना के दिखाते हैं। तो आप लोग इससे जो है कि कमेंट करते हैं तो हमें भी तकलीफ़ होती है, तो आप लोग ऐसा कमेंट मत किया करिए। और आप लोगों का कमेंट मुझे पढ़ के अच्छा भी लगता है, और मैं इस समय आप लोगों को कमेंट का जवाब ही नहीं दे पाती हूँ, इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।